अमरोहा की रज्जाक चौकी पुलिस पर मेहमदी सराय के लोगों ने लगाया सहरी के समय घर में घुसने का आरोप। मेहमदी सराय की छोटी मस्जिद के पीछे रह रहे लोगों ने अमरोहा की रज्जाक चौकी पुलिस पर शनिवार को सहरी के समय घरों में घुसकर खाना खाने के बर्तन चेक करने व महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पूरी घटना को संज्ञान में लेते हुए सांसद दानिश अली जी ने तुरंत पुलिस अधीक्षक से बात की, कहा कि घटना की जाँच कराकर कार्यवाही करे। सांसद ने आगे कहा, ये व्यवहार न कानूनी है न मानवीय है, ये बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं है। ईद के समय में ऐसी घटना शांति व कानून व्यवस्था के विश्वास को समाज में कमजोर करती है। नवेद आयाज सामाजिक कार्यकर्ता ने मौके का दौरा किया, जिला प्रशासन में घटना की पूरी जानकारी सांसद जी के माध्यम से दी, कहा कानून हाथ में लेने की इजाजत पुलिस को भी नहीं, अधिकारी कार्यवाही करने का आश्वासन दे रहे हैं। देखिए ये घर भी कम से कम 4 फीट नीचे है, इन लोगों के पास तो अपने घरों की चौखट ऊंचे कराने तक के पैसे नहीं है। ये गरीब और मजदूरों के घर हैं, इनके पास तो खाने को भी नहीं है, इनके हंडियों में क्या मिला होगा। जहां तक मैं समझता हूँ फेरी फिरने वाले बंदे हैं ये, फेरी लगाने वाले लोग, इनकी हंडियों के अंदर अगर कुछ खाने को होगा भी तो वो किसी भाई की मदद किया हुआ होगा। ऐसे लोगों के घर में वर्दियां पहनकर 8-8 10-10 सिपाहियों का घुसना, इस बार रात को सहरी के समय घुसना बहुत ज्यादा खौफनाक है। और उनके इरादे कम से कम कानूनन तो है नहीं, न उनकी कार्रवाई कानूनन है। शहरी के वक्त रात को 3 बजे कौन से अधिकारी के आदेश पे वो यहाँ आए थे? मुझे लगता है किसी अधिकारी का आदेश नहीं था। उनकी मकसद शायद कोई अवैध वसूली उनकी रही हो, जो उनकी कार्यशैली में आजकल देखी जा रही है। मैं अपनी बहन से पूछना चाहूंगा कि रात जो ये घटना घटी है इसके बारे में आप बताएं। बता बेटे क्या हुई? रात हम सब लोग सहर कर रहे थे और तभी पुलिस आ गई और छत तलक पर चढ़ गई, पूरे मोहल्ले पे ऐसा हो गया, एकदम सन्नाटा से छा गया। और उन्होंने, अगर हम दीवार नहीं खोल रहे तो वो लोग बोल रहे थे अगर नहीं खोलोगे तो हम दीवारें कूद के आ जाएंगे। तभी डंडे मार मार कर उन्होंने दीवारें खुलवाए और सब टॉर्च लेकर छत तलक पर चढ़े हुए थे और हमारे बर्तन रखे, हर खाना रखा, एक एक हंडिया हमारी चेक करी और उठा उठा कर ऐसे करी, जो जितने कमरे थे जिसके घर में सारे कमरे खुलवाए। माँ बहनों की इतनी बेपरतगी हुई है, बहुत ही इतना खौफनाक माहौल था कि ये समझ लो हमसे शहर तक की नहीं हुई। हमने शहर बिना शहरी के रोजे रखे हैं, बच्चे एक तरफ उस सीमट पर बैठ गए, बिल्कुल चीखे निकल रही थी बच्चों के जब पुलिस वालों ने मेरे शौहर के डंडे मारे। कितने पुलिस वाले थे? 8-9 पुलिस वाले थे कम से कम, हर छत पे पहुंचे हुए थे वो लोग। दरवाजा नहीं बजाया उन्होंने? नहीं, दरवाजा बजाया उन्होंने, जबरदस्ती किवाड़ खुलवाया हमसे। कुछ लोग सहमे हुए थे, नहीं खोल रहे थे, तो इसलिए पहले छत पर भी चढ़ गए। हमारे ऊपर इतना करंट तोड़ रखा है और जो बचा कुछा था ये लोग इतना दहशत का माहौल बना रखा है। हंडिया चेक करी हमारी, छत पर भी चढ़ गए। चेक हंडिया की चेक कर रहा हूँ, बस वो बोले जितना पूछा जा रहा है इतना बताइए। छतों पर भी चढ़ गए जी, छतों पे चढ़े हैं, बदतमीजी भी की, बदतमीजी की है। और औरतों के कंधे पे ऐसे शोल्डर मार मार के बोला उन्होंने, हटो पीछे को, हमें अपना काम करने दो। चलिए मैं अभी आपको बराबर में और दूसरे घर जो इस घटना में पीड़ित है उनसे मिलवाता हूँ। जी बताइए क्या हुआ आपके साथ? 3:30 बज रहे थे। अच्छा, रात के हम शहरी वहरी का मतलब खाना वाना बना रहे थे, अब वो आन के किवाड़ पीटने लगे, हमने डर के वजह से किवाड़ नहीं खोले। वो बोले बहुत देर हो गई पीटते पीटते किवाड़ खोलो, हमें पुलिस वाले। अच्छा। हमने डर की वजह से मतलब जब से खोले नहीं किवाड़, फिर खोल दिए किवाड़, वो अंदर डायरेक्ट घर में आ गए थे। तो अच्छा। उन्होंने हमारे बर्तन चेक करे, चेक करके पूरे घर की तलाशी ली और 2 घंटे तक वो अपने घर में तलाशी करते रहे, चारों तरफ देखते रहे, उसके बाद में वो चले गए। कुछ बताया नहीं क्यों आए थे? ना बताया नहीं, बस बर्तनों की तलाशी लेकर चले गए। बर्तनों की तलाशी चारों तरफ ली, कौन सब घरों में अंदर ये कोने भी चालों में सब में देख रहे। जी बताइए क्या हुआ आपके साथ? रात हम अपने घर में सहर कर रहे थे, उसी वक्त कम से कम 8-9 पुलिस वाले मेरे घर में आते हैं। मैंने कुंडी नहीं खोली तो उन लोगों ने बोला कि अगर नहीं खोलोगे तो हम दीवार कूद कर आ जाएंगे। फिर मैंने कुंडी खोली तो उन्होंने आकर मेरे एकदम किचन में मेरा जो चावल बने हुए थे वो बिखेर दिए और अंदर रूम में बढ़ गए और रूम में बढ़ कर कहने लगे कि इधर उधर देखने लगे। मैं बोली कि किस लिए आए हो आप? तो उन्होंने ये कहा कि हमें हमारा काम करने दो। और उन्होंने मेरे शोल्डर पर हाथ मारा जिससे मुझे धक्का लगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा तो उन्होंने 2 डंडे मेरे हस्बैंड के मारे। ये बताइए सर, क्या हम मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है हमें?
क्या हम इंसान नहीं है? हमारे घर में इस तरह से आकर हमारी बेपरदगी हुई है? किस बात, क्या मौका है वारदात में, क्या सबूत मिला, क्या चाहिए था, क्या ढूंढने आए थे? कुछ तो इन्फॉर्मेशन देते हमें कि हम यूँ आ रहे हैं, हमारे बच्चे तक कैसे मुखबरी तो शायद किसी मोहल्ले वालों ने ही करी होगी। मुझे उसका ऐसी क्या वजह थी जो आपके घर में? तो ये सभी के घर में गए हैं, अगर मेरे घर की मुखबरी थी तो डायरेक्ट मेरे घर आते ना। और तो आपके मोहल्ले में ऐसा क्या हो रहा है जो मुखबरी करी है? यही तो जानना है, कुछ बताते तो सही, सिर्फ एकदम से डायरेक्ट आना और धमकी देने का ना, हम दीवारे कूद कर आ जाएंगे, टॉर्च मारिए, ये बताइए। हम इंसान नहीं है क्या? हम गरीब है तो हमारी कोई इज्जत नहीं है?